मेघनाथ और एक है लक्ष्मण, दोनों लड़ो। और सज्जनों दोनों इसीलिए लड़ रहे हैं कि अपना रिश्ता नहीं जान रहे कि मेघनाथ मेरा कौन है और लक्ष्मण मेरा कौन है, ये नहीं जान रहे। देखो रामायण में कलकार है, लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, भिड़ाई परशु पर करी करी क्रोधा। एक तरफ लक्ष्मण, जबकि लक्ष्मण का मेघनाथ जो था वो दमान था पहले रिश्ते में, नांग कन्या जो थी वो नांग कन्या श्री लक्ष्मण जी के द्वारा थी और मेघनाथ दमान था इसके बाद में भिड़ाई। जैसे ढोरों से ढोर भरता है ऐसे भिड़ाई परस्पर करी करी क्रोधा, क्रोध नहीं आ रहा पर जबरदस्ती का क्रोध आ रहा। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी और श्री विष्णु भगवान दोनों कर करके योद्धा लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। देवताओं ने विनय की पर विनय पर नहीं माने, सब लोग भगवान शंकर के पास पहुंचे, भोलेनाथ के पास पहुंचे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान शंकर के दरबार में नमः शिवाय कहते हुए सब देवता जब पहुंचते हैं तो उसी समय भगवान शंकर निकल करके आए और निकल करके आते हुए देवताओं को रोते हुए देखा। देवताओं कौन सा कारण है तो मेरे पास आए हो? महाराज दो देवताओं में युद्ध चल रहा है, परस्पर युद्ध चल रहा है। अगर दो देवताओं में से अगर एक देवता समाप्त अगर हो गया तो फिर क्या होगा? भगवान शंकर ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। कहा क्यों? मेरे यहां जब सती खत्म हुई थी उस टाइम पर सब देवता थे और कोई ने इस प्रकार का मेरी सती की रक्षा नहीं की, मैं क्या रक्षा करूंगा? जिस टाइम पर मैं गटागट विष का पान कर रहा था और देवता सब हंस रहे थे उस टाइम पर मेरी रक्षा नहीं की, आज तुम रक्षा कराने के लिए मेरे पास आ जाओ। भोलेनाथ है भी ओगरनाथ, पर भोलेनाथ ने मना तो कर दिया पर मन में जी था कि मैं देवताओं को विमुख नहीं जाने दूंगा। भगवान शंकर उसी समय पर देवताओं के प्रति दया आ गई, भगवान शंकर के हृदय में दया आ गई कि मैं इनको विमुख नहीं जाने दूंगा। ये देवताओं देवता मेरे पास इसलिए आए हैं कि शंकर और ब्रह्मा का युद्ध बंद कराने के लिए आए हैं, इनका जो दुख है वो मैं समझ गया हूं, संताप समझ गया हूं, दुख तो इनका दूर करूंगा। भगवान शंकर है भी दयालु। सज्जनों एक समय की बात है कि पार्वती जी बोली कि मेरे लिए मृतलोक देखना है, तो पार्वती जी शंकर भगवान बोलेगी मृत्युलोक तो देखना है पर चले काहे पे? तो कहा ना दिया भगवान शंकर ने ना दिया बुलाया और ना दिया पर दोनों बैठ गए, पार्वती भी बैठ गई भोलेनाथ भी बैठ गए।
पार्वती भी बैठ गई और शंकर जी भी बैठ गए। जब नादिया आगे के लिए चला उस टाइम पर कुछ गांव के चार दो चार लोग खड़े थे गांव के बाहर। बोले भैया जी कितने मूर्ख हैं दोनों। कहा क्यों? कहा नादिया हो रहा हो मरवे के लानो जी दो दो बैठी। भगवान शंकर बोले पार्वती का हाँ। कहा नादिया पे हम नहीं बैठ पाएंगे, तुम बैठ जाओ हम उतर जाओ। कि गांव के लोग जाके रहे थे कि नादिया हो रहा हूं बूढ़ो नादिया के ऊपर दो दो बैठे। भगवान शंकर उतर गए पीछे पीछे चलने लगे और नादिया आगे आगे पार्वती बैठे। दूसरे गांव में पहुंचे कुछ चार लोग फिर बैठे थे। कहा भैया कितनी बुरी बात हुई गाय कि जब भाई नई नवारी है नई जवान है जा तो नादिया पे बैठी है बताओ पूरा टोकरा पीछे पीछे नजर रहोगे। पार्वती जी बोली हम भी नहीं बैठे। तो कही अब क्या करेंगे तुम भी नहीं बैठे तुम बैठे जब अब क्या करेंगे। कहा नादिया के ऊपर तुम बैठो हम बैठे और का बड़े विधि से ऐसो करिए नादिया उठाइए और टांग के चलिए अपन नादिया अपन आगे तुम लग जाओ पीछे। भगवान शंकर नादिया के लाने और पार्वती जी ने उठा के जब चले तो सब लोग उससे कुछ लोग बैठे अपन ने विचार करो कि अपन ने भैया जी ढोर उठाए बार बार मुतको देखे पर ऐसे हम नहीं देखे टांगे टांगे फिर रहे। तो भगवान शंकर बोले पार्वती जी संसार के अंदर तुम कितनों भी अच्छा काम करो किसी को अच्छा लग नहीं सकता। इसलिए भगवान शंकर के हृदय में दया जाग गई और उसी समय देवताओं के लिए आराम पहुंचाने के लिए भगवान शंकर बढ़िया बड़े प्रेम से पहुंच गए और जहां दो देवताओं का युद्ध हो रहा था वहां पर उन्होंने छोटा सा एक पाखाड़ रूप शंकर भगवान का स्कंद रूप बनाया। और सज्जन और रौद्र रूप बना करके और जटाओं के लिए बढ़ाया। आंखों की प्रफुल्लता तेजता जो थी वो अग्नि के रूप में थी। जटा जन के बड़े हुए हैं शरीर के अंदर क्रोध भरा हुआ है। तो सज्जन भगवंतो भगवान के पास सबसे बड़ा शस्त्र है जटा। हमारे सिद्धांडों में लिखा जटा कटा तवज जलम। भगवान शंकर ने जटा में गंगा जी के लिए 6 महीने तक रास्ता नहीं दी थी इतनी बड़ी जटा थी। एक भक्त ने कहा दुनिया में फूट अनेकों हैं। दुनिया में फूट अनेकों हैं पर भाई भाई सम फूट
पर जटा झूठ समझू चटा झूठ सब झूठ नहीं झूठ अनेको है पर झूठ सब झूठ नहीं आ गई बोलिए उमापति महादेवी की जय। सज्जनों भगवान शंकर ने रौद्र रूप धारण किया और रौद्र रूप धारण करके दोनों युद्ध दोनों देवताओं के युद्ध को भगवान शंकर ने इस चमत्कार को जब किया तो ब्रह्मा विष्णु के लिए शंख बजाकर के बुलाते हैं। भगवान विष्णु जब पास में पहुंच जाते हैं तो ब्रह्मा कहते हैं विष्णु ये तो बताओ क्या कहिए बीच में क्या हो गया हमारा युद्ध हो रहा था युद्ध कैसे होगा का युद्ध कैसे हो गया। सज्जन मंदो जब युद्ध बंद हो गया उसी समय पर इन्होंने विचार किया ब्रह्मा ने ब्रह्मा विष्णु दोनों विचार करते हैं कि इसको अपन खोज है इसका पता लगा ये क्या है इसका ऊपरी भाग कहाँ है इसका निचली भाग कहाँ है। सज्जन मंदो उसी समय ब्रह्मा ने बेईमानी से कह दिया विष्णु तुम जाओ नीचे की तरफ नीचे खोज करो इसकी कहाँ खोज है और मैं जाता हूं ऊपर की तरफ। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ चले। सज्जनों सात तल है पृथ्वी में तल तल महातल सतल सतल सात तल है पृथ्वी के अंदर। भगवान विष्णु बड़े सहज थे सहज स्वभाव इनका स्वभाव बड़ा सरल है। भगवान विष्णु नीचे की तरफ चल दिए बोलिए जगदात्मा की थी। ब्रह्मा जो था ब्रह्मा उसी समय ऊपर की तरफ चल दिए धीरे धीरे। जब ब्रह्मा बीच में पहुंचे तो हुआ क्या एक चमत्कार हुआ क्या चमत्कार हुआ एक केतकी का फूल नीचे की तरफ आ रहा था केतकी फूल नीचे की तरफ आ रहा था। केतकी फूल के लिए ब्रह्मा ने रोका अहो मित्रम कतोगामी हे मित्र तुम कहां जा रहे हो बड़े प्रेम से बोले। केतक ने कहा ब्रह्मा जी मैं ये भी नहीं जान सकता कहां से आया हूं कहां से गिरा हूं और कहां पहुंच रहा हूं तुम ये बता सकते हो कि इसका छोड़ कहाँ है। कहा मुझे कई कल्प व्यतीत हो गए कि मैं ये नहीं समझ पाया कि नीचे कल पहुंचू कई कल्प। सज्जनों ध्यान देना कल्प कोई एक दो साल का नहीं होता 43 करोड़ 20 लाख वर्ष का एक कल्प होता है। और ऐसे कई कल्पों से मैं चला आ रहा हूं
भगवान ब्रह्मा जी ने उसी समय विचार किया कि मुझे पहुंचते पहुंचते बहुत समय हो गया, हो जाएगा, और नीचे कहीं विष्णु ने पता लगा लिया तो मैं हार जाऊंगा, विष्णु जीत जाएगा। क्या करना चाहिए? कहा मुझे झूठ का प्रयोग करना चाहिए, असत्य का प्रयोग करना चाहिए। तो सज्जन बंधु, भगवान ब्रह्मा जो थे विष्णु से कह यहां केतकी से कहने लगे, हे केतक, मेरा और विष्णु का एक वादा हो रहा है, अगर मैं जीत गया तो विष्णु मेरा पुत्र होगा और फिर मैं संसार का राज्यपाल बन जाऊंगा, कोई मुझसे जीत नहीं पाएगा, और जिसको मैं जो पद भी दूंगा वो पद भी प्राप्त हो जाएगा, इसलिए तुम विष्णु के सामने जाके ये कह दो कि मैंने पता लगा लिया। ब्रह्मा ने कहा महाराज, केतकी ने कहा महाराज, मैं भगवान जगदात्मा भगवान विष्णु के सामने मिथ्या झूठ कैसे बोल पाऊं, जो पल पल की जानते हैं, क्षण क्षण की जानते हैं, उनके सामने मैं झूठ कैसे बोलूंगा। पंत सज्जनों, जब केतकी के लिए प्रतिष्ठा जब मिलने लगी उसी समय कहा मैं झूठ भी बोल बोलूंगा। लोभ पास करता है ना बधाया, किसके शरीर में लोभ नहीं होता, केतकी के शरीर में लोभ हो गया। पर सज्जनों याद रखिए, फूल जैसी जिंदगी को पाकर के झूठ बोलना बंद कर दो। क्यों? ये फूल झूठ बोल रहा है, ये फूल आपके सामने है, फूले फूले मत फिरो करो ना इतनी फूल, एक दिन तोड़े जाएंगे कि फूले फूले फूल। बागमा बागमा सबको यही सुनाते हैं, और फूल जो होते हैं उसे तोड़ लिए जाते हैं, फूल के इत्र नर्तन को सजाने वाले, दाग दामन में ना गर्ज लग जाए कर काले काले, आज खिले कल झुक चले, परसों मिलेंगे धूल, और देख दशा संसार की फिर क्यों फूलत, आज फूला है कल नीचे गिरेगा मट्टी में मिल जाए। इस प्रकार की जिंदगी को जीने वाले अहिमान को धारण करते हुए आज ब्रह्मा जैसा झूठ बोलवाने के लिए तैयार हो रहा है, और फूल कह रहा है महाराज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर प्रतिष्ठा मिलने के कारण कह रहा है कि मैं झूठ भी बोलूंगा। सज्जनों, भगवान विष्णु के पास में आए और भगवान विष्णु से उसी समय बोले, ब्रह्मा जी कि मैंने पता लगा लिया, लगा लिया, पता लगा लिया। भगवान विष्णु बोले, मैं कैसे मान जाऊं कि तुमने पता लगाया, अगर ये अगर बात में असत्य कह रहा हूं तो इस केतकी से पूछ लिया जाए कि पता लगा लिया कि नहीं। उसी समय केतकी ने सज्जन बंधु कह दिया, जगदात्मा का परमात्मा का डर भी नहीं माना, और कह दिया कि ब्रह्मा जी ने पता लगा लिया कि ये कहां से है। ब्रह्मा जी से फिर भी बोले, भगवान विष्णु की सत्य बताओ, सत्याम जागृतोम यद्याम याम यस्याम दशरथः, सत्य बोलिए, तुम तीनों लोकों के अधिपति ब्रह्मा हो, ब्रह्मलोक के मालक हो, वेद के पाठी हो, संसार के मालिक हो, उत्पत्ति करता हो, अगर तुम बोलो तो सत्य बोलना कि पता लगाया कि नहीं लगाया। पर सज्जनों, ब्रह्मा ने कह दिया मैंने पता लगा लिया, केतकी ने भी गवाही भर दी कि पता मैं लगा चुका। सज्जन बंधु, उसी समय भगवान विष्णु ने अपनी आबरू, अपना आदर, अपना सम्मान, अपना स्नेह, अपनी वात्सल्यता, अपना प्रेम सब त्याग दिया, और त्याग करके उसी समय भगवान विष्णु ने श्री ब्रह्मा के सर पर पैर के ऊपर सिर रख दिया। बोलिए श्री जगदात्मा, उमापति महादेव की जय। सज्जनों, जब ब्रह्मा के चरणों में भगवान विष्णु का जब सिर आया, ब्रह्मा को हंसी आ गई,
ब्रह्मा हंसने लगा। बताया गया है कि कभी भी झूठे कलापों में अलापों में फंस करके जीवात्मा अगर किसी के लिए नवा लेता है तो सज्जनों याद रखिए कि कभी मौका आने पर वह ईश्वर इस प्रकार की गति और प्रगति करता है कि वो अपने आप सिर झुकाने लगता है। भगवान ने एक बार सिर झुकाया पर जिसने ओए और झूठ में जिसने सिर झुकाया है उसका जिंदगी भर सिर झुका रहता है। आपने देखा होगा वृक्ष में एक झूठ लगा रहता है, झूठ अधिसूखा, वो झुकता नहीं है, वो जीव को क्यों खड़ा है। पर वृक्ष में अगर आम के वृक्ष लगे हुए होते हैं, आम के पेड़ आम फल लगा हुआ अगर होता है तो उसके लिए देखिए अभी झुकता है वो। पर याद रखिए जो झुका है उसमें कई फलों के लिए दे दिया, और जो झूठ होता है उसका क्या हाल होता है कि सजनों झूठ जो होता है समय आने पर किसी के पास लकड़ियां जब नहीं होती हैं उसको काट के लाते हैं बढ़िया चूल्हे में लगा देते हैं, तो झूठ की गत चूल्हे में होती है और वृक्ष के फलों की कीमत जो होती है वो मुख में होती है। इतना विचार अगर मनुष्य अगर कर ले, आपने देखा होगा, थोड़ा विचार करें एक पत्थर बोला भगवान से कि हे प्रभु मैंने कौन सा अपराध किया है कि अगर मुझे पानी में डाला अगर जाए तो मैं डूब जाता हूं। ज़रा ध्यान देना, मुझे पानी में अगर डाला जाए तो मैं डूब जाता और जामे कम से कम 25 क्विंटल की लकड़िया को जो मैंने डूबा है वो उतरा रहा हूं पानी में। विचार करो एक छोटा सा पत्थर डालो पानी में डूब जाता है, और अगर उसमें 25 क्विंटल का एक डूबा लकड़ी अगर पानी में डाल दी जाए तो उतराती है। क्या कारण? उसी समय पानी कहता है कि मैं उसके लिए क्यों उठाए हूं, उस लकड़ी को क्यों उठाए हूं, क्योंकि मैंने उसके लिए आत्मा से पानी दे दे करके सींच करके उसको वृक्ष बनाया है, और तू इतना कठोर है अगर किसी को मार दिया जाए तो खून की धार लग जाती इसलिए तुझे डुबो देता हूं। तो सजनों मूर्ख के लिए हमेशा भगवान कुछ दिन के लिए तो बढ़ने देते इसके बाद गिरा देते हैं। मूर्खों की कमी नहीं गालब, एक ढूंढो तो हजार मिलते हैं, दूर ढूंढो तो पास मिलते हैं, ना ढूंढो तो अपने आप मिलते हैं। तो सज्जन मित्रों बड़ी मूर्खता का काम किया हमारे ईश्वर के लिए चरणों में झुका दिया। पर याद रखिए हर क्यों तन माजते हो, क्यों तन माजते हो, एक दिन माटी में मिल जाना, क्यों तन माजते हो, माटी में मिल जाना, क्यों तन माजते हो, एक दिन माटी में मिल जाना। माटी में मिल जाना, क्यों तन मानते हो, माटी में
हमारे मूड के बाद जो काले थे ना वो सफेद हो जाएंगे, क्या विचार करना। स्याही जाए सफेदी आए, तन की खाल सकोड़ सब जाए। अरे ब्रह्मा ने झूठ बोल करके शरीर को सजाया, अपनी बात को बनाया। पर याद रखिए सज्जनमिंदो, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती जब तक तुम झूठ बोल जाओ चाहे कुछ भी बोल जाओ, पर संभालने वाला भगवान है। भगवान परमात्मा से तुमने अपने चरणों में जब सिर झुकवा लिया, सिर रखवा लिया, तो परमात्मा भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, परमात्मा भी रक्षा नहीं करेगा। और अगर परमात्मा ने रक्षा अगर नहीं करी तो फिर रक्षा कौन करेगा। कौवा सीता के पैर में चोंच मार करके भाग गया, पर सबके पास गया, माता के पास, पिता के पास, इंद्र के पास, ब्रह्मा के पास, विष्णु के पास, महेश के पास, सबके कहा, पर आगे क्या लिखा, काहू बैठन कहा ना होई, राख के सकई राम कर द्रोही। राम के द्रोही के लिए कोई संसार में राख नहीं सकता। सज्जन मंदो बड़ा दुखी जीवन श्री भगवान का है, विचार करिए जरा। हमारा परमात्मा लज्जित हो रहा है क्योंकि अपना सिर ब्रह्मा के चरणों में रखा दिया। इस बात को श्रवण करते हुए, इस बात को देखते हुए संसार का जगदात्मा देवता विचार करते हुए इसी समय रौद्र रूप धारण करते हुए और ब्रह्मा के पास आ गया। शंकर भगवान उसी समय रोध रूप धारण करते हुए जब आए, हाथ में त्रिशूल लिया और त्रिशूल लेकर के जब महाक्रोध आया, क्रोधान भवत यस्य दस्यान दासा भवता, क्रोध जब आया तो सज्जनों क्या किया, उसी समय एक भौंय की बाल को उखाड़ा और भौंय की बाल को उखाड़ करके जो धरती में पटका, धरती फट जाती है और फट करके उसी समय काल भैरव तैयार हो गए। बोलिए उमापति महादेव, काल भैरव आ गए। काल भैरव किसका नाम होता है सर, याद रखिए, काल भैरव मनुष्य के पास 24 घंटा रहता है, हर मनुष्य के पास 24 घंटा है। अगर आपने पूजन पाठ की और अगर तुमने धरती में पानी डाल करके आंखों से नहीं लगाया तो वो तुम्हारा पूर्ण काल भैरव ले जाता है। कभी भी ध्यान रखना सज्जनों, मैं ये कह रहा हूं व्यास जी बैठ के, बाद में मत पूछना पंडित जी आपने क्या कहा था, मुझे याद नहीं रहते। कभी भी हो अगर काल भैरव से बचना है तो धरती पर बैठ करके भगवान का भजन नहीं करना चाहिए केवल, क्योंकि तुम्हारा पूर्ण, तुम्हारा प्रताप, तुम्हारा गुण, तुम्हारा सद्गुण सब काल भैरव ले लेते हैं। कपड़ा की आसन लगा करके भगवान का भजन अगर करोगे तो तुम्हारे घर में गरीबी आएगी, लिख लो उसका, गरीबी आएगी।
लकड़ी की आसन पर बैठ कर के अगर आप भजन करोगे तो आपके घर में दुख आएगा, संकट आएगा। अगर आप पत्थर पर बैठ करके भगवान का भजन करोगे तो सज्जन बंधो आप कलंकित हो जाओगे, कहीं ना कहीं से कलंकित हो। अगर आप सुंदर बोरा की आसन पर बैठ जाएं या कंबल की आसन पर बैठ जाएं या आसन अच्छी ला करके बैठ जाएं तो आपके घर में धन प्रताप योग वरिष्ठ संसार की हर चीजें अपने आप आएंगे। क्यों? पूर्वी की तरह मुख करके जो भगवान का भजन करता है इष्ट की प्राप्ति होती है, पश्चिम में मुख करके अगर पूजन करता है तो सजनों तांत्रिक की प्राप्ति आती है, उत्तर में अगर मुख करके अगर पूजन करता है तो लक्ष्मी की प्राप्ति आती है, और दक्षिण की तरफ अगर मुख करके भगवान का पूजन करता है तो शक्ति की प्राप्ति होती है। तो बचना है, कैसे बचना है? हमको इस संसार में आए हुए पर भजन करना चाहिए, एक रखना चाहिए। एक बात और, क्योंकि यहाँ पूजन का संग्रह चल रहा है, विचार चल रहा है, योगाश्व चल रहा है, वरिष्ठता चल रही है, सजनों अगर यार पांव से बचा हुआ, पांव से धुले हुए जल से, याद रखिए ये बातें याद रखने वाली हैं, आपने पांव धोए और पांव धोने के बाद जो पानी बचा लोटा में पानी दिया, पहले पांव धो लिए, अब जो पानी बचा उसमें अगर कुल्ला कर लिया तो कुत्ता की पेशाब के बराबर वो पानी होता है। कभी भी हो पांव से बचे हुए जल का कुल्ला करने पर आपका धर्म नष्ट होता है। दूसरा, गणेश भगवान की पूजन अगर करें और अगर तुलसी पत्र उसमें डाल करके अगर भगवान का आचमन अगर करते हैं तो आपका धर्म नष्ट होता है। बेलपत्री के लिए आप अगर सूर्य नारायण पर चढ़ाते हैं तो धर्म खर्च होता है, भगवान विष्णु के ऊपर चौल अगर चढ़ाते हो तो आपका धर्म नष्ट होता है। पूजन भी संभल करके करिए सजनों, ये शिवपुराण है, ये छोड़ता नहीं, ये जड़ता को बताता है, जड़ बताता है, दाल नहीं बताता, दाल तो और पुराण बताते हैं, ये बताता है आपका चार निमग्नाम यस्यम पुरम चाम महे पूजा महेश्वर योग्यता के द्वारा भगवान शंकर की पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर की तीन बातें और याद रखिए, अगर आपने भगवान शंकर की पूरी परिक्रमा कर ली तो धर्म नष्ट होता है, आधी परिक्रमा करी भगवान शंकर की पूजन करने पर अभिषेक करने पर अगर तुमने बकरा का बोल नहीं बोला तो धर्म नष्ट होता है। बकरा का बोल मुंह में लगाई उंगलियां बकरा का बोल बोल, भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ अगर प्रसाद अगर पा लिया तो कुत्ते की योनि में जाते हो बोली वृंदावन भाई लगती। भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद काल भैरव का होता है, काल भैरव को जाति तुम मत पाई, और भगवान शंकर की पूजन करते करते तुम्हारे मुख में कहीं बात गाय तो पानी का नहीं भरो, आज रोटी कितने बजे बनाई, प्रकल्ल कब है जो, और बेलपत्र चढ़ा दी। सजनों अगर जे अगर होगा, अगर नमस्ते भाई की आवाज नहीं होगी तुमको पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। तो याद रखिए सजनों, काल भैरव तुम्हारे पास 24 घंटा रहता है, और वही काल भैरव आज भोई की बार उखाड़ करके शंकर भगवान ने तैयार कर दिया, पृथ्वी फट गई निकल पड़े काल भैरव। काल भैरव ने दोनों हाथों को जोड़ करके भोलेनाथ से विनम्र निवेदन किया कि प्रभु तुमने मेरे लिए क्यों बुलाया? सजनो भगवान शंकर को अगर प्रणाम करूं तो तीन प्रकार से करूं। काल भैरव ने किया उत्तीयताम समावर सरस्तीयताम साम स्थितम,
याद रखो हर जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सबके घर है, सबके पास घर है, कोई के पास अटारी है, कोई के पास लेंटर है, कोई के पास टपरिया है, पर कैसा करो उठिए था। अगर हमसे कोई बड़ा आया उसको द्वार पर जाकर के पीछे हो जाओ और उसको आगे लेकर के उठिए था, खड़े होकर के प्रणाम कर समावस हस्ती दम। अगर हमारे समाने बराबर का अगर है तो अपनी आसन से उठ करके उसको बुलाओ और प्रणाम करो। स्त्रीदम अगर हमसे बहुत ही छोटा है, गरीब है, तो उसके लिए बैठे बैठे प्रणाम करो। हमारे काल भैरव ने उसी समय महाराज के लिए प्रणाम किया। कैसा कैसा किया? उसी समय चरणों में सिर रख करके भोलेनाथ को प्रणाम किया। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम प्रत्येष्ठराय नमः। ये मंत्र भगवान शंकर के मंत्र का जो बीज मंत्र होता है, ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम प्रत्येष्ठराय नमः। अगर इसके लिए अगर कोई पीपल के अगर बील के नीचे अगर बैठ करके 1,25,000 जाप कर दे, गैल में मांगता हुआ फरता हुआ है, तो वो राजा बन जाएगा। और 11,000 इस मंत्र का जाप अगर शिव शंकर के मंदिर में अगर कर दे, तो उसके अंदर जो कुछ भी भावना है वो पूर्ण हो जाएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये बीज मंत्र सजनों भगवान शंकर का मंत्र जिसके लिए मृत्युंजय कहते हैं। अगर मुर्दा अगर हो गया है, प्राण उसमें नहीं है, अगर इस मंत्र के लिए भूल दिया जाए तो एक क्षण के लिए उसमें ही प्राण आ जाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान शंकर का कोई भी काम पीछे नहीं, आगे ही आगे। पश्चार योगम प्रतिनिप्यदेव्या संसार सारम यथार्थ भाषा। भगवान शंकर जिन भक्तों ने भजन किया है, तप किया है, जप किया है, सजनों उसने अपने संसार में कभी पीछे मुड़कर के तो देखा है, पर हैरान होते हुए कहो जात रही है बार बार। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति भी बिडारने नाथ मेरा भोलनाथ है, लाखों में नाथ मेरा भोलनाथ है, मेरा भोलनाथ है। जाता न कोई दर से खाती नाथ है, कोई दर से आई नाथ है।
शंकर भगवान बोलिए उमापति महादेव की श्री राम जय राम जय जय राम बोलो बोलिए उमापति महादेव की जय। चलते हुए प्रसंग में एक भजन रूपी एक अवरोध जो था वो पूरा हुआ। सज्जनों काल भैरव जो है उचास्त दंडस्य महाप्रभा। उचास्त का मतलब जो है जिनका ऊंचा स्तर हो, दृष्टा यानी इनकी आंखें निकली भई, कपाल हस्ता जिसके कपाल के ऊपर सुंदर जटाएं हो, खटवांग युग वरिष्ठा जिसके हाथ में खटवांग हो तलवार हो, रौद्र रूप हो, ऐसा रूप धारण की हुई काल भैरव ने श्री भगवान शंकर के चरणारविंदों में अपना सिर झुका करके प्रणाम किया। सज्जनों भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर के कहा, हे काल भैरव तुम हमारा एक काम करो। क्या करें? कर तुम जाकर के ब्रह्मा का जो मुख झूठ बोला है, ब्रह्मा के चार उपमुख हैं, जो झूठ बोला है उस सिर के लिए धड़ से अलग कर देना। सज्जन बंधुओं इस बात के लिए काल भैरव ने नहीं माना। बोले सबसे प्रिय आपको ब्रह्मा है, ब्रह्मा का सिर काटने का आज्ञा मुझे दे रहे हो महाराज। भगवान शंकर ने कहा, काल भैरव मैं जो तुमसे कह रहा हूं वो काम कीजिए,
ब्रह्मा का जो मुख झूठ बोला है उस मुख के लिए धड़ से उड़ा दो। उतावी सजनों, भगवान विष्णु के सबसे प्रिय ब्रह्मा जी थे। होता क्या है, एक आदमी ने मन में विचार किया और जाकर के कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया। किस भावना से? कल्प वृक्ष से कहा, कल्प वृक्ष हमको भोजन दो। कल्प वृक्ष ने अच्छी भोजन की थाली लगा करके दे दी। अब जब भोजन कर लिए तो काल उसी समय वो कहता है, भैया कि अच्छा बढ़िया पलंग दो सोने के लिए, तो पलंग आ गया। अब जब सोन लगे तो मन में आया कि शेर ना आ जाए, सोने वाले पलंग पर सोचने लगे कि शेर ना आ जाए, तो शेर आ गया। विचार किया ये खा ना जाए, तो सज्जनों शेर खा भी गया। बोलिए उमापति महादेव की जय। अरे सजनों, कल्प वृक्ष रूपी महाविष्णु के नीचे चरण बिंदु में रहने वाला ब्रह्मा आज काल का ग्रसित हो रहा है। काल भैरव के द्वारा इसकी मृत्यु। विचार कर लेना, जिस भगवान से आप बढ़ते हो वही तुमको कमाता है। रंग कम करो ती राजा नाम रंग में बिचो। चीटी के पाए गंदई बांध, चाहे समुद्र के पार लगावे, चाहे तो रंग को राव कहे, चाहे राव को द्वारे द्वार पर आवे। कभी कभी पूछते हैं हमसे लोग, पंडित जी हमको कौन सा गहरा लगा है? अरे सज्जनों, उस टाइम पर ने पूछा था आपने, जब आपके पास जमीन थी, जायदाद थी, सोना था, चांदी था, हीरा थी, मोती जवाहरात सब कुछ था, जब नहीं पूछा। आज क्यों पूछ रहे हो कौन सा गहरा है? क्योंकि सज्जनों, जिसने तुमको इतना सामान दिया था उसने धीरे धीरे तुमसे ले लिया। बैंक बैलेंस है, भगवान देता है और क्षण में ले लेता है। तन्माया मोहिता सर्वे दमौ कसाना जानती गुणान रूपं तव श्रीं मिलं प्रभो। सत्यनारायण में लिखा है भगवान की माया को कोई नहीं जानता, वो लेता है। इसलिए उसको भजते रहो, जपते रहो, देखते रहो, हाथ जोड़ते रहो। एक आदमी था, उसके लिए कभी भगवान का भजन नहीं करता, भगवान का नाम नहीं लेता था। सज्जन बिंदु जब भगवान का नाम नहीं लेता था तो धीरे धीरे भगवान ढूंढ गए। खाने पीने के लिए गांव में कुछ मिला नहीं तो जंगल में जाकर मर गए। और जंगल में जब मर गए तो दो चार दिन पड़े रहे, बस साल लगे। एक लोमड़ी थी, लोमड़ी श्यारनी, उसने उसकी बास को लिया और भागते भागते गई और जाकर तो उस बड़े आदमी को सूंघा, नाक कान हाथ पांव सब सूंघे, पर खाया नहीं। लौट के आई, एक बेर के वृक्ष के नीचे बैठ गई। वहां से जा रहा जब वो लड़ैया, लोमड़ी बोली, ओ लड़ैया, ओ जम्बो कहाँ जा रहा है? अरे कहा, जंगल में कोई मर गया बसा रहा है, तू भी चल मैं भी चलूं, दोनों खाए। अरे कहा, जिसको खाने तू जा रहा है उसको खाने के लिए पहले मैं गई थी, मैंने खाया नहीं। क्यों नहीं खाया? कहा, मैंने उसके लिए इसलिए नहीं खाया, हस्ता उदान, जिसके हाथों ने कभी दान नहीं दिया वह हाथ खाने वाले नहीं। साधु नेत्र बिलोक नैन रहितम पादौ न तीर्थौ गतौ, जिसकी आंखों ने कभी साधुओं के दर्शन नहीं किए उसकी आंख खाने वाली नहीं, और जिसके पैर कभी तीर्थ यात्रा में नहीं गए उसके पैर खाने वाले नहीं। रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीचम सुनंदम बपु, रे रे जम्बुक, जिसके लिए तू खा करके क्या गर्भ में जाना चाहता है। तो सजनों, पशु की तो पन ही बने, नरकों कहाँ बसाए, या नरसी करनी बने तो नारायण हो जाए। अगर बिना राम कृत भगवान के भजन के बिना जिस जीवन के लिए पशु पक्षी भी नहीं खाते। एक आदमी बोला, राजा बोला अकबर से, अकबर बोला वजीर से, क्यों वजीर, मेरी गद्दी में बाल क्यों नहीं है, मेरी गद्दी में बाल क्यों नहीं है? वजीर ने कहा, जवाब तो देना पड़ेगा। तो कहा, महाराजा आपकी गद्दी में बाल इसलिए नहीं है कि आप दान बहुत देते हो, इसलिए देते देते छन गए।
दान देते देते शंकर, और कहा बजी खेल गद्दी में बाल नहीं है। कहा महाराज लेते लेते चले गए, आप देते हो मैं लेता हूं। वो कही सारी दुनिया की गद्दियों में बाल नहीं है कि लेना ना देना, मलते मलते चले गए। बोली वृंदावन भाई लाल जाए हंसता हूं दान भी बढ़ देता हूं, हाथों से दान नहीं किया। लेने को हरिनाम है, देने को अन्नदान। संसार के अंदर सबसे बड़ा दान है अन्नदान। पर अगर इससे वंचित अगर हो गए तो सज्जनों, जो दान देने के कारण ही तुम्हारे घर में जो संपत्ति थी, वो संपत्ति दान ना देने पर अपने आप निकल जाएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। दान प्रसंगो स्वस्ति न इंद्रो स्वर्गस्थितानां महजीव लोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहि। दान प्रसंगो मधुराज वाणी दैवाचरम प्राप्तो। संसार के अंदर पांच दान लिखे हुए हैं। दान प्रसंगो, दान देना, प्रसंग सुनना, कथा आप सुन रहे हो, मैं सुना रहा हूं। दान प्रसंगो मधुराज वाणी, मधुर वाणी बोलना सी। दैवार्चनम देवों की पूजन करो, ब्राह्मण कर्मण चो ब्राह्मणों की सेवा करो। पांच अगर चिन्ह तुम्हारे शरीर में है, किस पृथ्वी के ऊपर रह करके तुम